नमस्कार दोस्तों, सैनी इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फैन में एक से अधिक कैपेसिटर लगाने से क्या हो सकता है। आपको नॉर्मल सी जानकारी है वो मैं आपको बता दूं, कई भाइयों को पता नहीं होता है। जो हमारा नया फ़ैन होता है उसके अंदर हमारा 2.5 MFD का कैपेसिटर, किसी किसी फ़ैन में 2 MFD का कैपेसिटर आता है ओरिजिनल कंपनी का। हम क्या करते हैं, हमारे पंखे की स्पीड होती है तो कोई भी भाई 2.5 MFD का कैपेसिटर नहीं लगाता है, लोकल हो चाहे ओरिजिनल, वो सीधा 3.25 का लगा देता है। यहाँ तक कि 3.25 का लगाने से क्या होता है, आपका पंखा हीट होता है, चलने पर हीटिंग होने के कारण आपका पंखा कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाता है। कोई कोई भाई ज़्यादा स्पीड के लिए 4 MFD का कैपेसिटर लगा देता है। 4 MFD का कैपेसिटर से आपका पंखा कुछ ही टाइम चलेगा, उसके बाद जल जाएगा। कोई कोई भाई को नहीं पता होता है, वो यहाँ तक कि 6 MFD का कैपेसिटर भी उसके अंदर लगा देता है, जिससे हमारा फ़ैन कुछ ही टाइम चलेगा, तुरंत जल जाएगा। तो आपको नॉर्मल सी जानकारी बता दूं, जो कंपनियां कैपेसिटर लगा के देती है वो 2 नंबर का, 2.25 का, 2.5 का, ये 3 कैपेसिटर कंपनी लगा के देती है। तो हमें कोई भी शॉप से हैवल्स का या टिपकॉन का ओरिजिनल कैपेसिटर लेना है। जब हमारा फ़ैन पुराना हो जाता है तो आप 2.5 MFD कैपेसिटर आसानी से ओरिजिनल कंपनी का लगा सकते हो। जैसे हमारे पास ये 2.5 का है, तो इस प्रकार आप 2.5 MFD का कैपेसिटर लगाते हो। अगर उससे आपकी स्पीड नहीं बढ़ती तो लास्ट आपका चांस 3.15 का है। 3.15 से ऊपर फ़ैन में कैपेसिटर कोई भी ना लगाए, उससे आपका फ़ैन की स्पीड बढ़ेगी नहीं, आपका फ़ैन कुछ ही टाइम में जलकर राख हो जाएगा। तो आपको नॉर्मल सी जानकारी समझ आ गई होगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।